मैं आपको बताना चाहता था लेकिन ये मेरे घर वाले मेरे को मार रहे हैं। दिन में 50 बार खई नहीं खाते हैं। और अभी पता चला है कि कंपनी की तरफ से ई रिक्शा में कोई प्लेट लग रहा है, तो बहन लोग है ना वो धान की पिटाई कर रही है यहाँ पे इस वक्त। ये अपनी गाड़ी है, 2 पैसेंजर हो चुके हैं, 4 पैसेंजर की और जरूरत है। यहाँ पे मेरी मम्मी मक्खन से जो है कि घी निकाल रही है, ठीक है। अब मेरी मम्मी मक्खन से घी निकाल रही है, अब इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि घी आप सबको मिलने वाला है। ये हमारे राजन भैया बोल रहे हैं कि तुम्हारा ज्यादा ठीक हुआ, बताओ। तो अभी हम लोगों के बैटरी के नीचे प्लेट लगा है भाई, ये हम लोगों के लिए ही फायदा है। आज यहाँ का बैकग्राउंड में क्या होता है शादी वादी में वो सब कुछ दिखाऊंगा। वही वाला प्लेट भाई जो है ना कि कंपनी पहले लगा के नहीं देती थी, अभी अभी जस्ट ना पोस्ट ऑफिस पे थे भाई। यहाँ ये भी सोच में डूबा है अपने कल्प्रिट के, ठीक है। Hey guys, good morning, welcome back to another vlog। और इस vlog की शुरुआत सुबह के 8 बजे हो रही है और आज के टाइम मेरी फुआ मेरे घर पे आ चुकी है। कल के डेट में आई थी लेकिन तबीयत इनका बिल्कुल सही नहीं है, तो मैं मेरे घर से घूम के जा रही हूँ। क्या था वो, जा ठीक है, जा घूम लो। और आज का सीन ऐसा है ना मेरे दोस्त, मेरे अपने पापा को कई दिनों से ऑटो चलाना सिखा रहा था, 2 दिन से चला भी रहे थे। और आज का सीन थोड़ा सा अलग है, अलग ये है कि ये टेम्पू है अपना, चैट है, अब इसको बाहर निकालना है। जगह इसमें कम है हमारे घर में, इधर जिधर खड़ा होती है, तो मेरे को निकालना पड़ेगा आज के टाइम पे। उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाए पापा को, पापा खुद निकाल लेंगे। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक ऐसा है कि पढ़ने जाने से पहले अपना ऑटो देखती है बार बार, ये पढ़ने जाना नहीं है। इस देखो, पढ़ने जाता है आता है वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले कहीं पे भी रहता है ऑटो के चक्कर में पड़ा रहता है। पढ़ता भी होगा तो मेरे को पता है कि ऑटो के चक्कर में रहता होगा। मेरी ऑटो किधर होगी, कैसी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इसको मजा आता है। अरे मेरे पापा है, ठीक है, आज जा रहे ऑटो चलाने, और देखो आज क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा पूरी सच्चाई मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन ये मेरे घर वाले मेरे को मार रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, कोई बात नहीं। अभी जस्ट इसको पहले बाहर निकालते हैं, ठीक है, फिर आपको बताते हैं डिटेल के साथ। पढ़ कब जाते हैं? 2 बजे थे, 8 बजे थे। ये मेरी ऑटो है, आप लोग बताओ इसका लुक कैसा है, इसमें मॉडिफिकेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। देखिए मॉडिफिकेशन में बस ये है, हनुमान जी और दुर्गा जी बस, और कोई मॉडिफिकेशन हमारे ऑटो में है ये नहीं है। चैट के साथ चलिए मैं आ चुका हूँ अपनी ऑटो को लेकर बाहर। यहाँ से मेरे पापा जो है ऐसे 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 करके लेके जाए, देख रहे हो ना, ये आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। दिन में 50 बार खई नहीं खाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनके खैनी पे कोई बांड नहीं लगा सकते हैं। देखो अभी मैं भैंसे की जैसे आवाज निकालता हूँ, ये है हमारा पड़वा, मैं भी वो पड़वा, पड़वा से कम थोड़े ना हूँ। देखो भाई इसको भूसा खाने के लिए रखी है भाई, और बताओ इतनी छोटी उम्र में भूसा खाएगा, घास वास रहता तो खा भी सकता था। और इसकी माए भी भूसा खा रही है मेरे भाई, और ये भी भूसा खा रहा है मेरे भाई। भूसा तेरे को अच्छा नहीं लगता है क्या मेरे भाई? भूसा नहीं अच्छा लगता क्या मेरे भाई? नहीं लगता क्या? ये भी सोच में डूबा है अपने गर्लफ्रेंड के, ठीक है, क्योंकि हमारे घर की जो लेडीजे है ना, ये कोई खाना बना रही है तो कोई बैठ के यहाँ पे रसोई घर में कोई गर्म कर रही है डोड, ठीक है। यहाँ पे मेरी मम्मी मक्खन से जो है कि घी निकाल रही है, ठीक है। अब मेरी मम्मी मक्खन से घी निकाल रही है, अब इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि घी आप सबको मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। ये घी बस ओनली वन आपके भैया भाई के लिए, ठीक है, तो घी निकल जाएगा थोड़ी देर के अंदर, तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, खाना बना दें उसके बाद हमको भी खाने को मिलेगा आज के टाइम। चलिए बहुत मिलके इन लोगों से अच्छा लगा, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हाँ जी भाई, फिलहाल दिन के अभी 12 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ भाई सीधा ऑटो इंस्टेंट। और सबसे पहले दिखाना चाहूँगा मेरी जो बहन लोग है ना वो धान की पिटाई कर रही है यहाँ पे इस वक्त। छुटकी वाली ये है
और ये बड़की वाली है तो यहाँ पे धान वान का पिटाई उटाई कर रही है। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा पापा के पास, पापा थोड़ा बोले हैं और एक दो दिन रह जा, मतलब कि अभी भी थोड़ा पापा के अंदर जो है ना वो डर सा, जो डर होता है ना वो डर अभी भी है, उसको बाहर करने के लिए मेरे को मतलब उनके साथ में फिर से रहना पड़ेगा। अब इसी के वास्ते मैं जा रहा हूँ भाई पापा के पास, यानी कि रतनपुरा मार्केट, लेकिन फिलहाल के लिए मैं पैदल जा रहा हूँ। यहाँ से मेरे को बस 500 मीटर बस पैदल जाना है और उसके बाद से इधर ही हमारे क्षेत्र में चलते हैं ना, तो वहाँ से बस पैसेंजर लेके आ रहे हैं, उसके बाद बैठेंगे फिर चलेंगे यहाँ से, लेकिन अभी के लिए पैदल पैदल चलते हैं। तो अभी जस्ट मैं आ रखा हूँ भाई अपने इस टूटे फूटे वाले रोड पे। यहाँ से थोड़ी देर में पापा अपनी चैट को लेके आने वाले, देखो इधर ही से लेके आएंगे और हम लोगों को चलना है इस साइड, तो अभी थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा मेरे को, मात्र 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखते भाई कितने मिनट में आ जाते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ चलेंगे इधर रतनपुरा क्षेत्र। फिलहाल 5 मिनट बैठने के बाद ई रिक्शा आ चुकी, ये आपको सामने ई रिक्शा दिखाई दे रही, अभी चलेंगे ई रिक्शा से। भाई मैं अभी जस्ट पहुंच चुका हूँ मार्केट के अंदर, अभी जस्ट हमको भाई मार्केट में आने के बाद 2-3 काम याद आ गया, जो कि पहला ये है कि हम पैन कार्ड बनवाए थे पहले उसको लेना है, और उसके बाद कुछ पैसे बैंक अकाउंट में जमा करने हैं, ये 2 काम पहले दिखाई दे रहे हैं। और ऑटो इधर अपनी साइड में जा रही है स्टैंड पे लगने के लिए। ये देखो ये भैया है ना, ये अंडा बनाते हैं भाई, इनको पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाए होंगे, अवश्य दिखाए होंगे पिछले ब्लॉग में, ये होलसेल करते हैं हमारे ब्लॉक के जस्ट सामने, ये अंडा सेल करते हैं। देखो इधर ऑटो स्टैंड है और इधर अंडा सेल करते हैं अभी नए भैया, ठीक है, चलो बढ़िया है, ये भी अपना धंधा बहुत आगे लेकर जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत आगे लेकर जाएंगे ये लाइफ में। अभी अभी जस्ट ना पोस्ट ऑफिस पे आए थे भाई, यहाँ से पैन कार्ड लेने के लिए, मैं बता रहा था ना पैन कार्ड लेना है, और ये रहा पैन कार्ड भाई, इसको कितना दिन पहले अप्लाई किए थे, लगभग 20 दिन हो गए हैं, लगभग 20 दिन के अंदर ये आ चुका है भाई। अभी चलो चलते हैं, फिलहाल पैन कार्ड मिल गया सही है, इसके लिए भाई कितना मेहनत मैंने किया है, बहुत ज़रूरी ज़रूरी काम भी इसके बिना रुके हुए थे। अभी इधर देखो यूनियन बैंक का ये शाखा है, तो यहाँ पे पहले पैसा जमा कर लेते हैं फिर मिलते हैं, देखो भीड़ वीड़ है तो चलो चलते हैं। तो गाइज अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने ई रिक्शा में आ चुका हूँ, और अभी पता चला है कि कंपनी की तरफ से ई रिक्शा में कोई प्लेट लग रहा है, कंपनी वाले ने अभी कॉल किए थे, तो अभी हम फिलहाल के लिए एजेंसी पे लेके जा रहे हैं, मतलब जहाँ से हम लिए थे, और देखते हैं कैसा प्लेट लगता है। अभी कॉल किया गया था कि हर एक गाड़ी में लग रहा है जो भी ई रिक्शाएँ हैं, तो चलते हैं लगवा लेते, देखते हैं कैसा प्लेट है भाई, हमको तो पता नहीं है। तो अभी जस्ट जिस हम शोरूम से लिए थे ना, मतलब जिस एजेंसी से अपने ई रिक्शा, उस एजेंसी पे आ चुके हैं, और कौन सा प्लेट लगाना है उस प्लेट को हम बताते हैं। ये वाला जो प्लेट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला वही वाला प्लेट भाई जो है ना कि कंपनी पहले लगा के नहीं देती थी, और आज के टाइम पर मेरे को ये लगता है हो सकता है कोई कस्टमर, मतलब बहुत सारे कस्टमर मिलके कंप्लेंट किए होंगे, जिसके वजह से ये प्लेट लगाया जा रहा है। सही है भाई, बैटरी के सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम पे देख सकते हो बहुत सारी ई रिक्शाएँ आ चुकी हैं यहाँ पे भाई लगवाने के लिए, तो बहुत सारी मतलब सही है। दे देंगे, दे देंगे। उसका बताइए। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया भाई, वो जो बैटरी के नीचे एक बड़ा सा वो प्लेट होता है, प्लेट यानी बोले तो पाइप था, वही पाइप लगाना था भाई, जो बैटरी है ना हमको वही बता रहे थे कि बैटरी कंपन करने की वजह से जब कंप्लेन आया होगा कंपनी के ऊपर, तो कंपनी ने भाई ध्यान दिया होगा कि हाँ इसको सुधारना चाहिए, नहीं तो दूसरी जो ई रिक्शाएँ हैं उनको भी तो बहुत सारी समस्याएँ आने वाली हैं, और ज़्यादातर गाँव में ये समस्याएँ आती होंगी, शहर में तो ये समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी। अभी इस टाइम पे हमारा ऑटो फाइनल हो चुका है और अब लेके चलेंगे इसको, अगले दिन देखा जाएगा कि क्या होगा इस ऑटो का। सकते भाई वो पाइप लगा हुआ है, जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ना वही पाइप लगा हुआ है, मतलब इसका कंडीशन क्या ही बोले, गांव में चलने के बाद इसको 6 महीने बाद, हमारे यहाँ रोड इतना भयंकर वाला है भाई, देखना ऐसा हो जाएगा कि भाई इसको सर्विसिंग बहुत चाहिए। तो अभी हम लोगों के बैटरी के नीचे प्लेट लगा है भाई, ये हम लोगों के लिए ही फायदा है, क्योंकि आप समझ सकते हो गाँव में चलना है और इतना बैटरी उछाल मरता है कि भाई, उसके सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया था, लग गया फ्री में कंपनी की तरफ से, तो सही है। तो अभी इस टाइम पे भाई ऑटो स्टैंड पे आ चुके हैं और अपने अपने गाड़ी में पैसेंजर बैठाने की तलाश में लगे हुए हैं, ये अपनी गाड़ी है, 2 पैसेंजर हो चुके हैं, 4 पैसेंजर की और ज़रूरत है, तो चलो भाई कोई ना कोई मिल जाए, बस अपना धंधा चल जाए, ठीक है। दूसरी मार्केट में आए भाई, आने के बाद पैसेंजर लोगों को यहाँ से खाली किए अपने टोटो से, और उसके बाद का सीन ऐसा है
आज है अपने रतनपुरा मार्केट का बाजार, यहाँ का बाजार तो नहीं है, और पापा जा चुके हैं भाई ऑटो को वहाँ से घुमा कर लाने के लिए, क्योंकि उनको लंबा रोड चाहिए होता है घुमाने के लिए, तो उसीलिए वो जाते हैं भाई तिराहे पे घुमा कर और यहाँ आते हैं। हाँ जी, तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा सीधा यहाँ वेडिंग में आ चुका हूँ, सीधा ड्राइविंग करते करते वेडिंग में आ चुका हूँ। और ये देखो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, मेरे बड़े पापा हैं और मेरे ब्रदर और बाकी अनदर पर्सन यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। आज यहाँ का बैकग्राउंड में क्या होता है शादी विवादी में वो सब कुछ दिखाऊंगा। देखो पहले तो यहाँ पे लोग पानी वानी चला रहे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ये तो शुरू कर दिए। अगली बार यही वेडिंग था तो आए थे तो भाई सेम सिस्टम यही था, मतलब जो सजावट वगैरह डेकोरेशन है ना सब कुछ सेम यही है, आप लोग देखना भाई। ये देखो भाई क्या ही पब्लिक है, क्या हुआ? मेरे कैमरे में तो इतना ही दिख सकता है। अरे राजन भैया का हाल है? ठीक नहीं है भैया, कहाँ हो तू? कहाँ हम कहाँ? अब ये देखो भाई ये हमारे राजन भैया बोल रहे हैं कि तुम्हारा ज्यादा ठीक हुआ, ये बताओ मेरा कहाँ इनसे ज्यादा ठीक है बताओ? कहाँ ठीक बताओ? कुलीवर से ठीक है भाई, देख लो मेरी जिंदगी, बताओ आप तुम लोग देखते ही हो डेली मेरी जिंदगी कैसी है, इनकी जिंदगी कैसी? हमारी जिंदगी वही दिन वही रात फिर मुलाकात। ओह क्या शहर मार रहे भाई, क्या गजब। तो फिलहाल भाई देख सकते हो कुछ लोग हैं जो भोजन कर रहे हैं, ठीक है, और इन लोगों के साथ हम भी भोजन कर रहे हैं।